हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल निशा की रसोई। आज की मेरी रेसिपी है ब्रेड इडली। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि ब्रेड इडली है, इडली का नाम सुनते ही आपके दिमाग में वो सब हम जो इडली हमेशा खाते हैं वही आएगी, लेकिन ये समथिंग कुछ डिफरेंट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कैसे बनाएंगे। हमें इसे बनाने के लिए चाहिए 2 मैंने लिए हुए उबले आलू, 1 कप दही, थोड़ा सा मैंने लिया है सॉस टोमेटो केचप, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हमने लिया है भुजिया। आप भुजिया कोई भी ले सकते हो, आप हल्दीराम का भुजिया भी ले सकते हो। नमक, मिर्ची, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा, और हमने लिया है यहाँ पे 4 स्लाइस ब्रेड की। ये जो ब्रेड है ये आपको वाइट ब्रेड या फिर मिल्क ब्रेड ही यूज़ करनी है। और ये जो मैंने इडली ब्रेड लिया है ना, ये ब्रेड को हमें ऐसे इसको कटोरी से इसे गोल शेप कर देना है। इसे ऐसे गोल कट कर लीजिए। ये देखिए ऐसे। कोई भी आपके पास में अगर किसी बॉटल का ढक्कन हो, कोई कटोरी हो, उससे आप इसको कर सकते हैं। अब हमने ये ब्रेड को कट कर लिया है स्क्वायर। अब हमें आलू जो है ना, आलू में हमने थोड़ा सा लिया है जीरा पाउडर, ये रोस्टेड जीरा पाउडर है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड मिर्ची पाउडर, बस। अब आपको इसको तीनों को मैश करना है, इसी में और कोई चीज़ नहीं डलेगी। ये देखिए, अब हमने ना आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो इसे अब हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, जो हमने ये ब्रेड कट करके रखी हुई थी ना, इसे इस पे लगाएंगे। इसे लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान से लगाइए कि ब्रेड ना टूट जाए हमारी। देखिए ऐसे एक लेयर आप आलू की इस पे लगा दीजिए। देखिए अब मैंने सभी ब्रेड पे इसको अच्छे से आलू को स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसे तवे के ऊपर गरम करेंगे। देखिए तवा हमारा अभी गरम हो गया अच्छे से। आप इसे बनाने के लिए दोशे का तवा या फिर आप नॉनस्टिक जो आपका तवा होता है ना वो ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है आलू वाली साइड, और आलू वाली साइड को ही नीचे रखना है, नीचे की तरफ, मतलब जो आलू की साइड है वो नीचे की तरफ रखना ऑयल डालने के बाद। और जब हम जो अब हमने ये रखा है ना, अब ये जो ब्रेड है इसके ऊपर हमें ये दही डालना है। इसे आप ना कुछ इस टाइप के बर्तन से ढक दीजिए। जैसे मेरे पास में ये ऊंचा बर्तन है तो मैं इससे ढक रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से जो कि इसको टच ना हो, तो इसे अब हमें ढकना है ताकि ये फूल जाए। देखिए अब हम इसे एक बार निकाल कर देखते हैं। ये देखिए अभी फूल गई है, कितने अच्छे तरीके से दिख रही है ना आपको, इडली जैसी। अब एक बार ऐसे थोड़ा सा देख ले, देखिए आलू हमारा नीचे से पक गया है। ये देखिए ये भी इजीली हमारा निकल जा रहा है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए अब हमारी ये जो ब्रेड इडली है ये पूरी तरह से रेडी हुई है। अब हम इसे आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे इसे और टेस्टी बनाते हैं देखिए। अब हमने इसके ऊपर लगाना है सॉस। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक
थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, बारीक कटा हुआ प्याज, और थोड़ा सा भुजिया। यह बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। ये देखिए दिख रही है ना, बहुत सुंदर लगती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक ये देखिए, आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हरे कृष्णा।